हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन होम मेकर चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेड चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे, इसमें हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची लेंगे, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसमें कॉर्न डालेंगे। इनको मैंने बॉईल कर लिया और उसके बाद हल्का सा क्रश कर लिया है, जिससे इनका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर हम इसमें बॉईल्ड और मैश किए हुए आलू डालेंगे। अब हम इसमें ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें सिंपल अमूल चीज़ के जो क्यूब्स आते हैं उनको मैंने ग्रेट कर लिया है, उसको ऐड करेंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑरिगैनो डालेंगे। अब हम इसमें गार्लिक पेपर की जो सीजनिंग आती है वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या ब्लैक पेपर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। मिक्सचर की बॉल्स बना लेने से इनको ब्रेड में स्टफ करना और इजी हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम सारे मिक्सचर की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से सारे मिक्सचर की बॉल्स बना लेंगे। देखिए, सारी बॉल्स रेडी है। अब हम वाइट ब्रेड लेंगे और उसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इस तरीके से सारे ब्रेड्स के कॉर्नर्स कट कर लेंगे। सारी ब्रेड्स रेडी है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे, और जब तक कि तेल गरम हो रहा है तब तक हम ब्रेड के अंदर चीज़ बॉल्स की स्टफिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम एक बाउल में से पानी लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ब्रेड पर डालेंगे और ब्रेड को थोड़ा दबा देंगे। इससे जब हम चीज़ बॉल्स को स्टफ करके फ्राई करेंगे तो चीज़ बॉल्स का जो मिक्सचर है वो ब्रेड से बाहर नहीं निकलेगा। अब हमने इसे पानी से अच्छे से सोक कर लिया है। अब हम इसमें चीज़ बॉल्स रखेंगे और इसे अच्छे से चारों ओर से कवर कर लेंगे। अगर आपको ब्रेड ड्राई लगे
ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा हो, बॉल्स नहीं बन रहे हो, तो आप इस पर हल्का सा पानी और लगा दें, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा पानी नहीं लगाएं। अब हम एक बॉल को तेल में फ्राई करके देखते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, इसमें ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब आप चीज़ बॉल्स को, ब्रेड चीज़ बॉल्स को तेल में फ्राई कर रहे हो तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छे से इसका कलर नहीं निकल के आएगा। ये देखिए कितना डल कलर लग रहा है, अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। तो हम तेल को और गर्म होने देते हैं और तब तक हम बाकी सारी जो ब्रेड में स्टफ़ करके चीज़ बॉल्स को, बाकी सारे ब्रेड चीज़ बॉल्स रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से सूख करके इसमें हम बॉल रख देंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें बॉल डालते ही हम तेल को, गैस को पूरा कम कर देंगे। कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर निकल के आया है। इसे हम हल्के हल्के से इसके ऊपर तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसको टर्न करेंगे, बहुत ध्यान से टर्न करना है हल्के हाथ से। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर निकल के आया है। इसी तरीके से अब हम सारी ब्रेड चीज बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सारे ब्रेड्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको टर्न करते वक्त हल्के हाथों से ध्यान से टर्न करना है। फ्रेंड्स चीज़ बॉल्स के मिक्सचर में आप अपने पसंद से और भी वेजिटेबल्स मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे चीज़ बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे सॉस या चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। इस तरीके से सारे ब्रेड चीज़ बॉल्स को प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको एक ब्रेड चीज़ बॉल तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कैसे चीज़ इसमें से निकल के बाहर आ रही है। तो फ्रेंड्स इस ब्रेड चीज़ बॉल्स की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।